Yeah, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about your actual most awaited movie called Doctor Strange and the Multiverse of Madness. सही मायनों में कहूँ तो ये movie मेरी series MCU यानी कि Marvel Cinematic Universe की 28th movie है और इसके पहले 0 से लेकर 27 तक काफी बेहतरीन movies को मैंने already explain करके अपने channel पर upload कर रखा है और अगर आप उन सभी movies को देखना चाहते हैं तो इस video के description में उन सभी movies का एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है जहां पर जाकर आप उन सभी बेहतरीन मूवीज को चेकआउट कर सकते हैं। और फाइनली काफी इंतजार के बाद में वक्त आ चुका है इस बेहतरीन मूवी को आप सभी के सामने एक्सप्लेन करने का। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है एक अनादर डायमेंशन से, जहां पर हम डिफेंडर स्ट्रेंज और साथ ही अमेरिका चावेस को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त एक बहुत ही बड़े मिथिकल क्रिएचर से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने कांच के आयामों की दुनिया के बार बार अलग अलग मंत्र यूज करता है उस पर छोड़ रहा था और बार बार अमेरिका चावेस पर बड़े बड़े वार कर रहा था। इसे रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, वो तब होगी वो अपने हर दुश्मन को हरा पाएगा चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मगर धीरे धीरे वो बड़ा सा क्रीचर इन दोनों के ऊपर ही भारी पड़ने लगता है, अवजूद भी वो इतना ताकतवर था कि उस चक्र को तोड़ने लगता है। अब यहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज के पास में और कोई रास्ता नहीं था अमेरिका चावेस से उसकी ताकत लेने के अलावा। उसके पास ताकत थी अलग अलग पोर्टल्स बनाकर अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल करने की, या फिर हम इसे कह सकते हैं द ट्रेवल बिटवीन मल्टीवर्स। अगर एक छोटी बच्ची के पास ये ताकत इतनी खतरनाक हो सकती थी तो अगर किसी बड़े क्रीचर या विलन के पास ये ताकत आ जाती तो उसका क्या होता। इसी वजह से डिफेंडर स्ट्रेंज उस ताकत को अपने अंदर लेने के बारे में सोचते हैं और अमेरिका चावेस की जान भी लेने की, लेकिन इसी बीच वो कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो हमेशा लोगों की भलाई और उन्हें बचाने का काम करते हैं। मगर इसी बीच उस क्रीचर का एक बड़ा सा टेंटिकल आकर उनके पैर में लग जाता है और चावेस काफी ज्यादा डर जाती है और उसके डरते के साथ ही दूसरा डायमेंशन ओपन हो जाता है। अब कहीं वो क्रीचर चावेस की सारी ताकत ले ना ले, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसके सारे हाथ काट देते हैं और उसकी जान बचाने के लिए उस क्रीचर का वार अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और तभी सपना टूटता है एक्चुअल डॉक्टर स्ट्रेंज का। अपने सपने से जागने के बाद डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज, जो कि अर्थ 616 के सैंक्टम सैंक्टोरियम के रक्षक थे, आज उनके लिए काफी बड़ा दिन था क्योंकि आज क्रिस्टीन पाल्मर की शादी होने वाली थी। अब वो अपने आप को बिल्कुल सजा धजा के पहुंच जाते हैं उसकी शादी में और बस ये सोचने लगते हैं कि काश जिसकी आज क्रिस्टीन से शादी हो रही है काश वो मैं होता। मगर तभी एक हादसा होता नजर आता है और बाहर सारी की सारी गाड़ियां बेकाबू हो जाती है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आकर देखते हैं तो कोई इनविजिबल शक्ति उन सभी को हिला रही थी और जब वो अपनी तीसरी आंख की ताकत से उस क्रीचर को विजिबल करते हैं तो वो निकलता है एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस। कहने को तो मैं इसे शिवागुरात भी कह सकता हूं क्योंकि व्हाट इफ के एपिसोड्स में ऐसा ही एक बड़ा सा ऑक्टोपस आया था। वेल, आपका इस क्रीचर पर क्या कहना है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर किसी को इसका एक्चुअल नाम पता हो तो भी कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट से याद आया कि आजकल मैं अपने हर कमेंटर को हार्ट शेप दे रहा हूँ, तो इसलिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे से अच्छा कमेंट कीजिएगा। वेल, जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, उस क्रीचर से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था और साथ ही उसके टेंटिकल्स पर हम कुछ मंत्र बने देख पाते हैं। मगर तभी उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंच जाता है वोंग, जो कि अपने रस्सी जैसे मैजिकल वेपन से उसका सामना करता है। अब ये दोनों मिलकर उस क्रीचर पर धे धनादन मुक्के बरसाते हैं, जहां एक तरफ तो उन्हें अमेरिका चावेस को बचाना था वहीं दूसरी तरफ उस क्रीचर को भी हराना था। और फाइनली एक बड़े से खंबे के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज उस ऑक्टोपस की आंख निकाल देता है और तब जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज की नजर अमेरिका चावेस पर जाती है। वो उससे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें जानता हूं, और ज्यादा दिमाग पर जोर डालने पर उन्हें याद आता है कि हाँ, मैंने इस लड़की को अपने सपने में देखा है, जहां पर अमेरिका चावेस कहती है कि वो सपना नहीं था बल्कि रियलिटी थी। हर यूनिवर्स में आप ही का एक अवतार जीवित है और आपने जिसे सपने में देखा था वो एक आप ही का अवतार था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि आखिर मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं, इसका सबूत दो। जिसके बाद अमेरिका चावेस उन दोनों को उस प्लेस पर लेकर जाती है जहां पर डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी बुरा भी लगता है और साथ ही ये बात क्लियर हो जाती है कि उसके पास में मल्टीपल यूनिवर्सेस में ट्रेवल करने की ताकत है। मगर जो क्रीचर उसकी ताकत लेने आया था वो तो सिर्फ एक प्यादा था, इसके पीछे का बॉस अभी भी जिंदा है। अगर इस गुत्थी को सुलझाना है तो ऐसे किसी की मदद लेनी पड़ेगी जिसके पास में मंत्रों की ताकत और साथ ही मल्टी यूनिवर्स का ज्ञान हो। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज को वहीं एक जमीन में दफना कर वांडा मैक्सिमोफ से मदद लेने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर वांडा की एक अलग दुनिया थी वेस्ट वर्ल्ड के बाद में, जब उसने काफी लोगों को नुकसान पहुंचा दिया उसके बाद वो चाहती थी कि वो एक अलग जगह पर जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से कहते हैं कि मैं एक ऐसी मुसीबत से जूझ रहा हूं जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक जादूगरी कर सकता है और मेरे
सामने इस प्लेनेट की सबसे बड़ी जादूगर खड़ी है। इतने में ही वांडा बोल पड़ती कि इस वक्त अमेरिका चावेस कहां पर होगी। तब एकदम से डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि मैंने तो उसे अमेरिका चावेस का नाम ही नहीं लिया। और तब जाकर यहां पर ये रिवील होता है कि उन सभी कारनामों के पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद वांडा मैक्सिमॉफ थी, जो कि अब बन चुकी थी स्कारलेट विच। और देखते ही देखते वो प्लेस हरियाली की जगह एक लाल नर्क बन जाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वेस्ट वर्ल्ड में आखिर हुआ क्या था और वांडा मैक्सिमॉफ इस रेड हेल में कैसे पहुंची और अब स्कारलेट विच के नाम से क्यों जानी जाती है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल हितेश नागर पर वांडा विजन की 9 एपिसोड्स की सीजन 1 की सीरीज एक्सप्लेन कर रखी है, वो भी विद एक्चुअल वीडियो क्लिप्स, जिसे देखकर आप पूरे सिनेरियो को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वापस से कामाता जाता है और आकर अमेरिका चावेस और साथ ही वोंग को बताता है कि अब वांडा करप्ट हो चुकी है, उसकी ताकतें बदल चुकी है, वो बुरी बन चुकी है। तो वोंग पूछता है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि उसे उसकी काल्पनिक जिंदगी काफी पसंद थी, अब उसे अपने बच्चे टॉमी और बिल्ली वापस चाहिए। हालांकि इस यूनिवर्स में उसके पास उसके बच्चे नहीं है, मगर दूसरे यूनिवर्सेस में वो बच्चे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, मगर उन यूनिवर्स में जाने की ताकत वांडा के पास नहीं, इसलिए वो अमेरिका चावेस को अपना शिकार बनाना चाहती है। मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अमेरिका चावेस की जान बचाएंगे, इसीलिए वो सब मिलकर सैंक्टम सैंक्टोरियम के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कवच बना देते हैं। और जब स्कारलेट आकर उन पर हमला करती है तो इतने सारे लोगों की ताकत देखकर अपने आप को कमजोर पाती है, मगर उसके पास थी पावर माइंड मैनिपुलेशन, जिसकी मदद से वो एक जने का माइंड मैनिपुलेट कर देती है और वो इंसान उस कवच को धीरे धीरे तोड़कर भागने लगता है। और इसी बात का फायदा उठाकर स्कारलेट विच अपनी पूरी ताकत का उन सभी पर इस्तेमाल कर देती है। वेल, यहाँ पर न्यूयॉर्क सैंक्टम सैंक्टोरियम ही शामिल नहीं था, बल्कि हांगकांग और साथ ही लंदन के सैंक्टोरियम से भी काफी सारे लोग आए थे ताकि वो सॉर्सरर सुप्रीम की मदद कर सके, जो कि इस वक्त था वोंग। मगर स्कारलेट के सामने कोई नहीं टिक पाता और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो कांच के आयामों की दुनिया को तोड़कर डॉक्टर स्ट्रेंज वाले आयाम को भी खत्म कर देती है और सीधा पहुंच जाती है अमेरिका चावेस को मारने के लिए। मगर जब तक वो उसे मार पाती, अमेरिका चावेस डर जाती है और उसके डरने की वजह से एक और पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज भी शामिल हो जाता है और ये दोनों न जाने कितने सारे मल्टीवर्स के अंदर क्रॉस होते होते एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंचते हैं जहां पर काफी ज्यादा हरियाली होती है, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज चावेस से कहता है कि मुझे अपने वाली अर्थ में वापस जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर वोंग अकेला है, वो अकेला उससे लड़ नहीं पाएगा, हालांकि लड़ तो मैं भी नहीं पाऊंगा लेकिन जाना जरूरी है। तो चावेस बताती है कि हर यूनिवर्स में मैं ट्रैवल कर चुकी हूं और ट्रैवल करने का सीधा सा रूल यह है कि जब भी ट्रैवल करो सबसे पहले कुछ खा लो, वैसे तो पैसे कहीं नहीं देने पड़ते लेकिन इस बार जब ये लोग अपना पिज्जा वड़ा खा रहे होते हैं तो पिज्जा वड़ा वाला आकर इनसे पैसे की डिमांड करता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक ऐसे मैजिक में फंसा देता है जिससे कि वो अपने आप को ही चांटा घूसा और मुक्के मारने लगता है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि अगर डिफेंडर स्ट्रेंज के पास में दी बुक ऑफ विशांति तक पहुंचने की पावर थी तो जरूर इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास में भी जरूर होगी, इसलिए वो जाकर इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मगर तब यहाँ पर इन दोनों को पता चलता है कि इस यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज तो थैनोस से लड़ते वक्त ही मारे गए और अब जो यहाँ के सैंक्टम सैंक्टोरियम का रखवाला था वो था मॉर्डो, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है कि यार ये तो पिछले बारी यूनिवर्स में मेरा दुश्मन था और इसमें भी मेरा दुश्मन होगा, लेकिन इस बार मॉर्डो उनका काफी अच्छा दोस्त होता है, कहता है कि मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पूरा सिनेरियो समझाता है कि हमारे पीछे स्कारलेट विच पड़ी है जो कि चाहती है अमेरिका चावेस की सारी ताकतों को पाना ताकि वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल कर सके और जिस यूनिवर्स में उसे उसके बच्चे मिल जाए उन्हें वापस या अर्थ 616 में ला सके। मगर ये तो सिर्फ मॉर्डो की एक चाल थी और जो चाय उसने इन दोनों को पिलाई थी उसके अंदर बेहोश करने वाली दवा थी, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को पेश किया जाता है इल्यूमिनाटी के सामने। इस बार इल्यूमिनाटी 5 लोगों का एक ग्रुप था जिनमें शामिल थे कैप्टन मार्वल, जिसका ओरिजिन हमने व्हाट इफ में देखा था, रीड रिचर्ड फैंटास्टिक फोर से, ब्लैक बोल्ट जिसकी अभी तक कोई मूवी नहीं आई है, चार्ल्स जेवियर फ्रॉम एक्समैन और आखिर में थी कैप्टन मार्वल। इन सभी का कहना था कि हमारी मेन मुसीबत स्कारलेट विच नहीं बल्कि तुम खुद डॉक्टर स्ट्रेंज हो। तो वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे पूछते हैं कि आखिर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम किस तरीके से हो सकता हूँ, जहां पर ये लोग बताते हैं कि तुम्हारे पास में डार्क होल्ड आ चुका था। डार्क होल्ड बेसिकली वो किताब थी जिससे कि आज की तारीख में स्कारलेट विच को अपनी ताकतें मिली थी। अब ये थी अर्थ 838 जहां पर ये सारे के सारे डॉक्टर स्ट्रेंज को ही ईवल समझ रहे थे, जबकि वहां पर अर्थ 616 में स्कारलेट विच अब कामरताज में बैठकर स्वप्न यात्रा कर रही थी। अगर स्वप्न यात्रा को मैं ठीक तरीके से एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली इसमें होता यह है कि अगर हमारा शरीर किसी भी डायमेंशन में हो लेकिन अगर दूसरे यूनिवर्सेस के अंदर हमारा अस्तित्व
है तो हम उसके अंदर अपनी आत्मा को डाल सकते हैं और जो हम करेंगे वही वो दूसरी आत्मा करेगी। मैं टॉमी और बिली जिंदा हो और उनके साथ वो अपनी जिंदगी ठीक तरीके से बिताए। लेकिन प्रॉब्लमेटिक बात तो ये थी कि उस वाले डायमेंशन में भी तो एक वोंडा होगी, तो आखिर उसका क्या होगा? इसलिए वोंग ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है, मगर तभी वकांडा की एक योद्धा उस पर वार करती है और उसके डार्क होल्ड वाली किताब को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। ये देखकर वोंडा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे वो अपने गुस्से की ज्वाला उसी पर डाल देती है और वो वहीं पर भस्म हो जाती है। वोंडा का अगला शिकार था खुद वोंग। अब हालांकि उसकी किताब यानी कि डार्क होल्ड तो अब खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके मंत्र अधूरे रह चुके थे और वो दूसरे डायमेंशन की वोंडा से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो वो वोंग से कहती है कि मुझे उन मंत्रों के बारे में बताओ, क्योंकि सॉर्सरर सुप्रीम को डार्क होल्ड की किताब के काफी सारे मंत्रों के बारे में पता होता है। तो वोंग कहता है कि हालांकि मुझे उसके मंत्रों के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा माउंटेन है जिसके ऊपर ये सारे मंत्र लिखे थे, जिसके बाद में उसे डार्क होल्ड में उतारा गया। वोंडा ने इस वक्त उसके काफी सारे लोगों को तड़पाना शुरू कर दिया था और वोंग से सारी इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया था। इस वजह से वोंग को एक पोर्टल खोलकर वोंडा को उस माउंटेन तक लेकर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जादूगर सिर्फ एक हद तक ही आगे बढ़ सकते थे, उनमें उस माउंटेन तक पहुंचने की ताकत नहीं थी। लेकिन तभी वोंडा अपने मैजिक का यूज करके उस माउंटेन पर पहुंच जाती है, जिसकी दीवारों पर लिखे थे डार्क होल्ड के सारे मंत्र, जिनका यूज करके वो अर्थ 838 में कनेक्ट करती है वहां की वोंडा से, ताकि वो अमेरिका चावेस के पास पहुंचकर उसकी ताकत को अपना बना सके और मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सके। मगर इस बार यहाँ पर उसे रोकने के लिए थे बाकी सारे दूसरे महायोद्धा, मगर कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पाता, ना तो ब्लैक बोल्ट, ना ही कैप्टन मार्वल, यहाँ तक कि चार्ल्स जेवियर भी उसके दिमाग को जब कंट्रोल करने लगता है तो वोंडा अपनी ब्लैक पावर से उसी को ही खत्म कर देती है। इस यूनिवर्स में चावेस का ध्यान रखने के लिए क्रिस्टीन पामर भी शामिल थी, मगर जब वोंडा उन दोनों के पास पहुंचती है तो एक्चुअल डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों की मदद के लिए वहां पर पहुंच जाता है। अब ये तीनों मिलकर उसका ध्यान भटकाते हुए विशांति की किताब तक जाने की कोशिश करते हैं, मगर वोंडा उनका पीछा कहां छोड़ने वाली थी और वो हर दरवाजे को तोड़ते तोड़ते उनके पीछे चली जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है जहां पर वो चावेस की शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे माउंटेन पर ले जाती है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पाल्मर को एक अलग पोर्टल में भेज देती है और सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि अब वो सारी शक्तियां उसके पास आने वाली थी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि हर यूनिवर्स में उसका एक अवतार जरूर होगा, इस वजह से वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से जाकर मिलने के बारे में सोचता है। मगर जब वो उससे मिलने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि वो यूनिवर्स पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और बचा है तो सिर्फ सिनिस्टर स्ट्रेंज, जिसके पास में थी ईविल पावर्स, क्योंकि उसने भी यूज किया था डार्क होल्ड का। और फिर आती है वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट फाइट, जहां पर ये म्यूजिकल नोट्स के साथ में एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं। वेल, अगर आप लोगों ने मेरी लाइव स्ट्रीम में देखा हो या नहीं देखा हो, मेरे लेफ्ट हैंड में भी म्यूजिकल नोट्स शामिल है, जिसके अंदर एफ शार्प, डी फ्लैट, सी शार्प माइनर और जी मेजर बने हैं। मेरे आज तक के एंटायर मार्वल एक्सपीरियंस में मुझे ये वाली फाइट सबसे ज्यादा पसंद आई। हाँ, हालांकि कैप्टन अमेरिका और थैनोस वाली भी काफी तगड़ी थी, बट यस 50-50 टाई कह सकते हैं। जिसके बाद काफी कोशिशें करने पर डॉक्टर स्ट्रेंज उस ईवल स्ट्रेंज से जीत जाता है और इसी की डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके अर्थ 838 से अर्थ 616 पर पड़े मुर्दे वाले डिफेंडर स्ट्रेंज के अंदर अपनी आत्मा को ट्रेवल कर देता है, जिसे कि स्वप्न यात्रा कहते हैं, और वहां से सीधा माउंटेन्स की ओर पहुंचता है। मगर माउंटेन्स पर जाने के बाद जादूगरों को उस मकबरे तक पहुंचने की शक्ति नहीं थी, वहां पर काली ताकतें आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने लगती है, पीटने लगती है, उसे वहीं पर खत्म करने की कोशिश करती है। मगर तभी क्रिस्टीन पाल्मर उसे विश्वास दिलाती और कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उन बुराइयों को अपनी ताकत बनाओ, तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी बुरी ताकतों को अपने अंदर समा लेता है और बना लेता है अपने पंख उस मकबरे तक पहुंचने के लिए, जिसके बाद उसकी फाइट होती है खुद वोंडा से। और अगेन यहां पर मार्वल की एक वन ऑफ द बेस्ट फाइट हमें दिखाई जाती है, जिसके सीजीआई ग्राफिक्स और साथ ही वीएफएक्स टॉप नॉच थे। इतनी भयंकर चलती लड़ाई के अंदर हम देख पाते हैं कि सचमुच स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ रही थी। स्ट्रेंज को हारता देख अमेरिका चावेस को याद आता है कि अगर मुझे वोंडा को हराना है तो मुझे ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो अपने पोर्टल्स को ओपन करके स्कारलेट विच को वहां पहुंचा देती है, जहां पर दूसरे डायमेंशन की वोंडा अपने बच्चों के साथ अपनी हस्ती खेलती जिंदगी में जी रही थी। मगर बिली और टॉमी को अपनी मॉम का ये रूप भयानक दिखाई पड़ता है और वो अपनी मॉम से ये कहने लगते हैं कि हमें मत मारिएगा, हमने कुछ नहीं किया, हमारी जान मत लीजिएगा। तो स्कारलेट कहती है कि तुम तो मेरे बच्चे हो, आखिर मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी। मगर वो बच्चे तो उसके पास आने से भी डर रहे थे, और अब जिनके लिए स्कारलेट विच ने ये सारा तांडव रचाया था
अब जब वो उन्हें ही नहीं पा सकी तो उसने अपनी हिम्मत हार ली, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को उस डायमेंशन की वांडा के पास दिल पर पत्थर रखकर छोड़ देती है और ये डिसाइड करती है कि अब उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है, जिसके बाद वो अपनी पावर से इस पूरे ब्रह्मांड के जितने भी अलग अलग मल्टीवर्सेस थे वहां से डार्क होल्ड्स को खत्म कर देती है और उसके बाद अपने आप को भी खत्म कर देती है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। वेल, इस कहानी के टोटल दो पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक एंड और इसी के साथ एंड क्रेडिट सीन यहीं पर खत्म होता है। वहीं पर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं वो शख्स जो अपने आप को मुक्के मार रहा था अब वो अपने आप को मुक्के मारना बंद कर देता है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसके बाद में और भी बेहतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। और जाने से पहले अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और अगर कोई शिकायत भी करनी हो तो डायरेक्ट DM कर दीजिएगा क्योंकि मैं हर कमेंट को रीड करता हूं और हर मैसेज का रिप्लाई भी करता हूं। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।